हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खुशबू क्रिएटिव। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई विदाउट पेस्टिंग पेपर एंड फ्यूजिक पेपर के नेक बनाने का तरीका, जो कि ब्लाउज का बैक का है। तो यहाँ पे नेक की ब्रॉड मैंने ली है 2.5 इंच, नेक की गहराई मैंने 11.5 ली है। यहाँ पे नीचे से नेक की चौड़ाई मैं 3.5 ले रही हूँ। इसको देखिए, ऊपर से नीचे तक इस तरह से मिला लेना है और यहाँ पे हमें नेक की शेप दे देना है। देखिए, इस तरह से हमें नेक की शेप दे देना है। फ्रेंड्स, इसमें बहुत ही आसान है, आप लाइनिंग वाले ब्लाउज में ये बहुत ही आसान से बना सकते हैं विदाउट बुकरम एंड पेस्टिंग पेपर के। तो देखिए, यहाँ पे मैंने नेक की कटिंग कर ली है। ये मैंने मेन फैब्रिक लिया है। मेन फैब्रिक में हमें राइट साइड से, देखिए यहाँ पर ये सीधी तरफ से हमें इसको, ये जो लाइनिंग में हमने नेक कटिंग करी इसे रखना है। हमें इसको शोल्डर से मिलाते हुए रख के एक पैर की गैप से, मतलब एक पैर की मार्जिन से आप पूरे में सिलाई लगा लें। तो देखिए, यहाँ पे मैं एक पैर की मार्जिन से पूरे में सिलाई लगा रही हूँ। फ्रेंड्स, बहुत आसान है और इसमें कोई ज़रूरत नहीं है आप बुकरम या पेस्टिंग पेपर का यूज करें। आप इस तरह से आसानी से फिनिशिंग से ब्लाउज बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं एक पैर की मार्जिन से ये पूरे में सिलाई इस तरह से लगा रही हूँ। ये डिज़ाइन आपको अगर अच्छी लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ पर देखिए, ये सिलाई लगा लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी है इसे कट करके और फिर हमें इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। कट्स लगाते टाइम ये ध्यान रखना है कि सिलाई जो हमने लगाई है उस पर कट्स ना लगे। तो देखिए, सभी एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें कट कर लेना है इस तरह से। देखिए ऐसे, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके इसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं हमें, जिससे हम इसको पलट सके। तो यहाँ पे देखिए, ये कट्स लगा लिए। इस सभी फैब्रिक को हमें अंदर की तरफ पलट लेना है। देखिए, इस तरह से हमें सभी को अंदर कर लेना है और नेक के कॉर्नर पे, मतलब फिनिशिंग देते हुए, आप चाहे तो यहाँ सिलाई भी लगा सकते हैं और आप चाहे तो यहाँ पे प्रेस करके भी इसे बिठा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिलाई लगाई हूँ। अब मैंने यहाँ पर देखिए, इस तरह से जो नेक की कटिंग करी थी उसमें से हमने एक एक इंच एक्स्ट्रा लेके फैब्रिक पे रख के और एक इंच एक्स्ट्रा करके हमने ऊपर तक 3 इंच पे ले लिया है। और ऊपर से भी ये हमें 9 इंच की नेक तैयार रखनी है यहाँ पे। तो हमने ये नीचे से इस पर डिज़ाइन बना के लगाएंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने इस पर निशान लगा लिया है। जो नेक में से पीस बचा था कटिंग करने के बाद, वही फैब्रिक है जिस पे हमने एक एक इंच एक्स्ट्रा लेके ये लिया है। ये मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों लिया है। इस पे हम देखिए, एक पैर की मार्जिन से ही इस पे भी सिलाई लगा लेंगे और इसमें हल्का सा गैप छोड़ के पूरे पे हमें सिलाई लगाना है इस पे, जिसे हम इसको बाहर की तरफ पलट लेंगे। देखिए इस तरह से, ये डिज़ाइन बनाना बहुत आसान है। आप थोड़ा सा इसमें टाइम दें। देखिए, यहाँ पे ये हमने 1.5-2 इंच के आसपास इसमें गैप छोड़ दिया। इसमें भी जहाँ राउंड है उस पर हल्का सा गुलाई लगा के इस तरह से पलट लिया है। और जो हमारा ये गैप था, यानी सिलाई जो हमने जहाँ पे नहीं किया था, इस पर सिलाई भी लगा लेना है। अब हमने ये देखिए, ब्लैक कलर की ये फैब्रिक ली है जिसकी चौड़ाई है 1.5 इंच। इसे हम 2 फोल्ड करते हुए इसकी ना डोरी निकाल लेंगे। जैसे देखिए, इस तरह से डोरी, और इसे हमें जो फैब्रिक हमने ये बनाया है इस पे रखते हुए हमें सिलाई लगा लेना है। आप चाहे तो बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ भी रख सकते हैं और आप चाहे तो हल्का हल्का, जैसे मैंने ये हल्का हल्का गैप दे दे के एक एक ये फैब्रिक लगाया, ये इस तरह से आप भी इसको लगा सकते हैं। तो मैंने ये हल्का हल्का सा गैप दे दिया कि जैसे नीचे का जो कपड़ा है वो भी हमें दिखे। इसी तरह से हमें इस तरफ भी पूरे में लगा लेना है ऐसे। नीचे से भी हमें ऊपर की तरफ से बराबर रखते हुए हमें नीचे भी ऐसे ही सिलाई लगा लेना है।
सभी को बराबर में रखते हुए। आप चाहे तो इस पर मतलब कंट्रास्ट में कोई और फैब्रिक भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे मेरे ब्लैक कलर की मैचिंग हो रही थी तो मैंने इसलिए लगाई। अब हमें जितने भी ये फैब्रिक है ना उसके ऊपर दोनों कॉर्नर पे सिलाई लगा लेना है। देखिए मैंने इस तरह से ये दोनों कॉर्नर पे सिलाई लगा लिया है। सभी में इसी तरह से सिलाई लगा लेना जिससे ये फिनिशिंग से बैठ जाएगा। जैसे हमारे ये पूरा डिज़ाइन फिनिशिंग से बन के आएगा। इसमें बस थोड़ा सा टाइम देना है, बाकी बहुत ही अच्छा ये डिज़ाइन बन के आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये पूरा डिज़ाइन पे सिलाई लगा लिया है। यहाँ पे मैंने 2.2 की ये फैब्रिक ली है जिसको मैंने 2 फोल्ड करते हुए ये डिज़ाइन निकाल ली है। ये ट्रायंगल शेप में ऐसे ही निकाल लेना है डिज़ाइन। देखिए इसी तरीके से सभी को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए ऐसे लगा लेना है। ये चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं पर मैंने यहाँ पे ये मतलब खूबसूरत लगे इसलिए मैंने ये लगाया है। देखिए एक्स्ट्रा जो भी मार्जिन है इसे हमें कट कर लेना है। यहाँ पे मैं एक ब्लैक कलर की वही 1.5 इंच की चौड़ी ये पट्टी ली है जिससे मैं इस पर पाइपिंग लगा रही हूँ। अब इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ऐसे देखिए 2 फोल्ड करना है इसे। और इस तरह से जितना भी आपको पाइपिंग दिखाना है उस तरह से इस पर आप सिलाई लगा लें। फ्रेंड्स मैं फिर से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए यहाँ पे ये समोसा लेस लगा के ऊपर से ये मैं इस तरह से इस पर मतलब इसकी लुक आएगी और अच्छी लुक आएगी इसलिए मैंने ये समोसा लेस लगाया है। इस लेस को लगाने के बाद इस लेस को पूरा आपको अच्छे से लगा लेना है। देखिए ये पूरा ये इस तरह से तैयार है। अब हम जो ब्लाउज की पीस पहले तैयार करते हैं इसे हमें डबल फोल्ड करते हुए रखना है और इस पर निशान लगा लेना है। और इसके दोनों निशान भावे रखते हुए इसको पिन अप करके और अच्छे से इस पर सिलाई लगा लेना है। आपको इसके कॉर्नर पे बिल्कुल सिलाई लगा ले। देखिए इस तरह से इसको बनाना है। यहाँ पे भी मैं समोसा लेस इस तरह से लगा के इसको इसकी पूरी लुक मतलब देना चाहूँगी। यहाँ पे चाहे तो आप कोई किसी और डिज़ाइन की लेस भी लगा सकते हैं अपने मैचिंग के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पे ये समोसा लेस ही लगाया, मुझे ये मतलब ज़्यादा अच्छा लग रहा था इसलिए। इस तरह से मेरे नए नए डिज़ाइन को देखने के लिए जो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। देखिए यहाँ पे पूरा में आपको ये सिलाई लगा लेना है। यहाँ पे हल्का सा पक्का आप कर लें और पूरे में इस तरह से ये समोसा लेस को लगा लेना है। देखिए इस तरह से बनने के बाद ये डिज़ाइन इस तरह से बन के आया है। डिज़ाइन पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना।